यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबरों की माने तो समाजवादी पार्टी ने किन किन नेताओं को अपने कोटे से राज्यसभा भेजना है ये तय कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल का रहा है। जी हां, ऐसी खबरें हैं कि कपिल सिब्बल इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जा सकते हैं। ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वो कांग्रेस में ग्रुप 23 के नेता माने जाते हैं जिनकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुछ खास खुश नहीं है। इसके अलावा कपिल सिब्बल मुलायम परिवार और अखिलेश सरकार के कई केस लड़ते आ रहे हैं। पिछली बार भी जब कांग्रेस ने सिब्बल को यूपी से टिकट दिया था तब मुलायम सिंह यादव ने उनका समर्थन किया था क्योंकि कांग्रेस के पास जरूरी वोट नहीं थे। दरअसल उस वक्त मुलायम ने शर्त रखी थी कि वो विधायकों को समर्थन तभी देंगे जब सिब्बल को कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी। राहुल गांधी पर सीधे हमला बोलने के बाद से ही सिब्बल से गांधी परिवार नाराज है। वहीं चिंतन शिविर में भी सिब्बल ने हिस्सा नहीं लिया था। उनका राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने वाला है। बीजेपी के खिलाफ भी वो कई मामलों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत की वकालत भी कपिल सिब्बल ने ही की थी। ऐसे में उनके सपा में जाने की अटकलों को और मजबूती मिलती नजर आ रही है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आज तक।